तेरे जैसी औलाद से अच्छा था बे औलाद रहते। पता नहीं कौन सा पाप किया था, इतना निकम्मा बेटा पैदा किया। तंग आ गया हूँ यार जिंदगी से, अब मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। अबे यार शिट, मैंने ये क्या कर दिया। वो तो गूंगा है, मुझे उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे यार सॉरी, तुझे लगी तो नहीं यार हैं? क्या करने आया था तू यहाँ पे? अच्छा, मैं चोरी छुपके यहाँ रोज आता हूँ क्योंकि मैं लोगों के बीच में बहुत घुटन सा फील करता हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो सब मेरे से अलग हैं और वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं कर सकते और वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं सबसे अलग अपने अड्डे पर आकर रहता हूँ, खुद को एंजॉय करता हूँ। मुझे यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। कौन थे वो लोग, तुझे लगी तो नहीं?
कैसी लाइफ है उसकी, किसी को कुछ बता भी नहीं सकता, ना किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकता, फिर भी इतना हैप्पी अपने लाइफ में। आज तो यहाँ पे मुझे अड्डा तेरा बहुत पसंद आया, क्या मैं आ सकता हूँ कल से? लेकिन मैं अपना लंच नहीं शेयर करने वाला। अरे जाना मत दियो। क्या करता है तू? पोएट्री लिखता है तू? तू मुझे अगर उस दिन नहीं मिला होता ना, तो शायद मैं अपने आप को आज आजाद कर चुका होता। तब मुझे समझ में आया कि जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो खुद से प्यार करना सीखो। बुरा वक्त तो सबका होता है, लेकिन अच्छा वक्त हमें खुद बनाना पड़ता है।